बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया थी बहुत उत्साह देखिए लोगों का पिक्चर बड़ी अच्छी लगी है बहुत बढ़िया पिक्चर है दोस्तों। एक बहुत ही धाकड़ और बहुत ही कड़क और शॉकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पठान ने अपने इस वीकेंड के लिए यानी संडे को आज और आने वाले इस वैलेंटाइन वीक के लिए एंड खास तौर पर 14 फरवरी के लिए अपनी टिकट्स के रेट बिल्कुल आधे कर दिए हैं। जहाँ फिल्म रिलीज हुई थी 25 जून को, उस टाइम पे फिल्म के रेट भाई टिकट के को 250 को, 300 को, पीवीआर के 500-600, अब फिल्म के रेट भाई 100, 110, 125, 150 इतने गिर चुके हैं। क्योंकि अब आने वाला वैलेंटाइन वीक और भाई यूथ और कपल्स भर भर के पठान को देखने जाएंगे, खासतौर पर सेकंड टाइम थर्ड टाइम भर भर के इसको रिपीट मोड पर देखेंगे। और इसके चलते फिल्म का अब वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरी दुनिया का भाई अब सामने आ चुका है। फिल्म ने जहां अपने 17th डे से दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन से लेकर 17th डे तक 888 करोड़ की कमाई कर ली थी, ये और यह बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है। क्योंकि यशराज फिल्म के इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्होंने ये पोस्ट शेयर की है और तारक आदर्श जो भाई ट्विटर पे उनका अकाउंट है उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी थी। तो बेसिकली फिल्म के अब 888 करोड़ हो चुके हैं फ्राइडे तक। तो कल था सैटरडे यानी इसका डे 18, तो कल डे 18 की जो उसकी कमाई थी बहुत ही कड़क थी, 11 करोड़ 25 लाख के आसपास। उसी के चलते अब फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 से लेकर डे 19 तो भाई साहब बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कड़क है भाई साहब, आपको सुन के सुख लगेगा। तो फिल्म ने कमा लिए हैं वर्ल्ड वाइड पे 900 करोड़, ओ भाई साहब। और अब फिल्म दावा कर रही है अपने क्रेज और अपनी एडवांस बुकिंग से कि फिल्म इस संडे को मिला के मंडे को मिला के एंड ट्यूजडे, क्योंकि ट्यूजडे है वैलेंटाइन डे वीक दोस्तों, उस दिन है बहुत ही तगड़ा डे वैलेंटाइन, तो कपल्स चाहेंगे इसको भर भर के। तो फिल्म का दावा है कि फिल्म कमा लेगी 1000 करोड़ आंकड़ा आराम से पार कर लेगी और ये अपने हिंदी बॉक्स ऑफिस बेल्ट में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी दोस्तों। और ये ऐसी पहली फिल्म बन जाएगी पूरे बॉलीवुड और साउथ की दोस्तों, जहाँ फिल्म ने पहले कमाए थे 56 करोड़ और अब ये कमाने वाली है 900 करोड़। ओ भाई साहब क्या ही फिल्म है भाई, क्या ही एक्शन है, क्या ही कैमियो, क्या ही क्लाइमैक्स है, मैं तो बहुत फैन हो गया। बस अब तो वेट है शहजादा आए और पठान का घमंड ईगो बॉक्स ऑफिस हर एक चीज़ तोड़ दे। आपको क्या लगता है, क्या शहजादा कार्तिक आर्यन की किंग खान की पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, आप सिर्फ कमेंट में यस और नो बोल दीजिए। बाकी काम मेरा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू और लाइक तो बनता ना, उसे प्यार करते हो तो कमेंट तो कर ही दो भाई, बिल्कुल कर दो, सर्दी का मौसम गर्मी आने वाला, टाटा।